शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित 57 केंद्रों पर 2336 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 697 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1639 लोग शामिल रहे, जिसमें 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ, महिला पुरुष जिला अस्पताल सहित CSC PSC पर वैक्सीनेशन किया गया। शुक्रवार को दीपावली का पर्व का दूसरा दिन होने के कारण टीकाकरण सेंटरों पर लोगों की संख्या कम देखी गई। इसके संबंध में एडिशनल CMO डॉक्टर NK पांडे ने बताया कि त्योहार के मद्देनजर टीकाकरण कराने वालों की संख्या कम देखी गई। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वैक्सीनेशन अवश्य करा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एडिशनल CMO डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, सेकेंड डोज वाले पकड़ पहला टीका था, मेरा दूसरा था, डर लग रहा है। नहीं अंकल, दवाई नहीं है। आप पहला पैरासीटामोल बुखार। आज हमारे जनपद में 57 बूथों पर करीब 2500 लोगों को टीकाकरण हुआ है। और इस समय जैसा कि आप जानते हैं त्योहारों का मौसम चल रहा है, लेकिन हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, क्योंकि अगर हम केवल टीकाकरण के भरोसे रह गए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए तो यह बीमारी फिर से फैलने की आशंका है। लोग बाजार में निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अर्थात 2 लोगों के बीच में कम से कम 3-4 मीटर की दूरी अवश्य बनाए रखें।